madhuvatāritāyate madhuksharantu sindhava madhurna santaushadi madhunakta mudoshashu madhumatpārthivam raja madhugarastu nāpita madhumāno vanaspati madhumāstu chūrya madhirgavo bhavantuna om madhu om madhu om madhu. योग की परिभाषा जैसा हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, संयोग अयोग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनः. योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट कॉन्सियसनेस विद द कॉस्मिक कॉन्सियसनेस. जीव का शिव से मिलन, पाशवतु भवे जीव पाश मुक्त भवे शिव. जैसा आज सुबह योग की परिभाषा जो दी जा रही है, यानी काम क्रोध लोभ मोह घृणा शंका लज्जा कुलशील मान में जो मनुष्य का जीवन आज फंसा है, पशु वृत्ति राक्षसी मानव पशु मानव, उससे हम मानव बनने की प्रक्रिया में योग के द्वारा देव मानव और दिव्य मानव बन सकते हैं. और आज यह जो साधना है, इस साधना को चैतन्य जागृत के लिए महर्षि पतंजलि जैसे संत हमारे बीच आए. आज दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग, आज जब मैं पतंजलि की बात कहीं करता हूँ आम लोगों के बीच में, तो पतंजलि का अर्थ होता आटा तेल साबुन. आज महर्षि पतंजलि के नाम से व्यापारीकरण हो रहा है. और आज योग की प्रतियोगिता में योग यानी जो जिसकी मैं परिभाषा हमेशा से देने की कोशिश करता हूँ, जिसकी सुबह परिभाषा दी गई कि महर्षि पतंजलि ने भी योग को शुरू करने के लिए यम और नियम बताया. और जिस विद्यालय के वो छात्र आए थे जिन्होंने बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया था यम और नियम और पूरे योग का, वह हमारे जीवन को में स्थापित करने की आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि आज अभी जो हमारे भाई जी बोल रहे थे वह उसे जीवन विद्या कहते हैं, यानी जीवन जीने की कला वह योग पर आधारित है. क्योंकि योग कोई रोग दूर करने की क्रिया नहीं, योग जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की प्रक्रिया है. और उस प्रक्रिया में रहकर एक मानव समाज पूरे विश्व का एक समाज बन सके, एक अखंड मानव समाज बन सके, ऐसी हमारी परिकल्पना होनी चाहिए. और हम लोग विश्व बंधुत्व वसुधा कुटुम्बकम विश्वाची माजी घर, यह सारे जो हमारे गुरुओं ने हमारे भगवान तुल्य जितने भी गुरु के रूप में धरती पर आए उन्होंने यह सिखाया. इसीलिए एक ह्यूमन सोसाइटी वन ह्यूमन फैमिली शुड बी एस्टैब्लिश when we are all moving the path of this. मैं आप लोगों से एक आह्वान करना चाहूंगा. मैं एक इंटरनेशनल मिशन में 10 साल सन्यासी आनंद मार्ग नाम के एक मिशन में सन्यासी के रूप में रहा, अवधूत की जिंदगी जिया. और फिर मैं स्वतंत्र होकर पूरे दुनिया में आज करीब करीब 50 देशों के साथ में ईश योगा के नाम से काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर योगा आयुर्वेदा होम्योपैथी. दैट इज होलिस्टिक योगा आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी. तो मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ गुरुजन आचार्य हैं, मैं उन सबों के साथ यह आह्वान करूंगा कि इस भारत को भरते इतिता भारत या भारत विश्वम भारतम कुर्वंती की इस चैतन्य शक्ति को स्थापित करें. और हम सब मिलकर इन बच्चों के जो प्रतिभाएं उभर रही है उन्हें स्थापित करें. और जीवन यापन के लिए या शिक्षा पद्धति जो मैकॉले की आज शिक्षा दी जा रही है अभी तक, उस शिक्षा पद्धति को गुरुकुल वाली शिक्षा से परिणत कर और उसे हमारे संस्कारों में डालते हुए स्थापित करें, जिसमें हमें 5 स्तर पे जीवन को हमें सिखाना होगा. स्वयं को, जो हमारे प्रेम की बात हमारे भाई जी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, स्वयं परिवार, स्वयं को अपने शरीर में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में और इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक साथ सह अस्तित्व में जीने की जो कला है वही योग साधना है, वही योग साधना है. धन्यवाद. नमस्कार.